हेलो एवरीवन, राम राम जी। मैं ये सिंगल आप सभी को राम राम जी और सत श्री अकाल आदाब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में भी सब खुश रहे, मंगल में रहे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैलेंज के साथ, जैसे कि हमने एक चैलेंज लिया है टाइम मैनेजमेंट का, कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ स्टाइल होता है, उसमें बहुत सारा टाइम हम बर्बाद कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ पर जा रहा है। तो जो हमने एक सीरीज चला रखी है, जो 30 कॉन्सेप्ट 30 रूल है, पर डे एक रूल लेके आते हैं, हम पर डे एक रूल के साथ डिस्कशन करते हैं। तो आज फिर एक नए रूल के साथ हम आप डिस्कशन करेंगे। तो एक नए रूल लेके आए हैं हम टाइम मैनेजमेंट का। आज हमारा जो छठा रूल है, और जिसमें छठे रूल में बताया है जो प्रेटो है, प्रेटो के 20/80 रूल है। 20/80 रूल में ये बताया गया है कि हम कितनी दफ़े क्या करते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं वे पहले कर लेते हैं और जो मेन काम होते हैं उसे बाद में छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या बताया 20/80 रूल में कि हमारा 20% जो हम काम करते हैं उसका कितनी 80% आउटपुट आता है। जो हमें काम करना चाहिए वो पहले इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए, जिससे हमारा जो हम 20% काम करें और हमारा 80% आउटपुट आता है। और हम क्या करते हैं, पहले में छोटे छोटे काम करते हैं 80%, और जो 20% इम्पोर्टेंट काम होता है वे ही नहीं करते। तो इसमें ये बताया कि हमें पहले 20% में काम करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया कि व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो चींटियां भी रहती है। और इसमें बताया कि 20% सबसे उपयोग बहुत कि जो आपके 20/80% रूल है, जब आप इसमें ये पता चल जाएगा कि आपका इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, जरूरी काम कौन सा है, वो 20/80% से ऐसे पता चलेगा जैसे आप कोई काम करते हो, वो कोई आप मेन काम कर लेते हो तो उससे आपका 80% आउटपुट आ जाता है, जो आपका मेन आउटपुट आना चाहिए, जो आपको लगता है कि हाँ इस काम को करने से सारा ही काम निमट जाएगा, बस फिर तो थोड़ा सा ही काम रह जाएगा। तो वो 20% काम पहले करे, जिससे आपका 80% आउटपुट आता है। हम क्या करते हैं, पहले में 80% में छोटे छोटे काम कर लेते हैं और 20% को काम जो मेन काम है उसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें बताया है कि जो पूर्णतः हम कितनी दफ़े क्या करते हैं, जैसे कोई हमें काम मिलता है और उसमें क्या करते हैं, हमने कोई 80% काम कर लिया और उसमें हम क्या करते हैं कि हम कितनी दफ़े ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, सही ढंग में होना चाहिए, कितनी दफ़े हम उसमें समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हमने काम किया है वो भी अच्छी तरह किया है, पूरी मेहनत के साथ किया है। अगर तुम वो काम फिर दोबारा काम करोगे, उसी काम दोबारा से फिर करोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट ही होता है उसमें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो काम करो एक ही दफ़े करो, अच्छी तरीके से करो, पूर्णतः निष्ठावान और पूर्ण मन के साथ करना चाहिए, जो ताकि उसमें दोबारा आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें बताया है कि यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलनी चाहिए। और इसमें बताया है कि जो 20/80% रूल है, कि सबसे पहले तो आपने 20% में काम निकाल ले कि जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी 20% पर आप फोकस रखना चाहिए। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है या आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो सबसे पहले में 20% में काम निकाल ले कि हाँ आपको लगता है कि 20% काम करने से या यो काम करने से मेरा मोस्टली सारा काम हो जाएगा। तो उसी पर ही अपना एनर्जी लगानी चाहिए, उसी पर ही अपना पैसा लगाना चाहिए, उसी पर ही अपना जो जितना भी आपको लगता है पूरी जोश के साथ उस पर काम करना चाहिए आपका। अगर वो 20% काम हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा मोस्टली काम हो गया। और 20% 80% यही बताया है कि अगर हम कोई अपना 20% जो काम है वो हम कर लेते हैं तो हमारा 80% आउटपुट निकलता है, जो हमारा 20% जो बाद में बचा काम, तो उस जो हमारा 20% जो आउटपुट और आना है तो वो छोटे छोटे टूटा मोटा जो काम होते हैं उनसे निकल जाएगा। तो पहले में 20% काम निकाले, जिससे आपका दिखता है कि हमारा 80% आउटपुट आता है। तो इसी छठे जो रूल है, छठा सिद्धांत है, इसमें यही बताया है कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, कि ज्ञान लेने के लिए तो शास्त्रों का ज्ञान तो असीमित है, कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है और विषय भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि
मुझे क्या सीखना है, किस वे में सीखना है, किस लिए सीखना है। अगर आपने कुछ भी उठा लिया, कुछ भी सीखने लगे, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या सीखना है, किस वे में सीखना है, और जो मैं ये सीख रहा हूँ किस वजह से सीख रहा हूँ, और आगे फ्यूचर में मेरे लिए किस उपयोग में आने वाले हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, और शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा विषय है, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि मुझे सीखना क्या है और करना क्या है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको कुछ नया सीखने में, कुछ डेवलप करने में, कुछ नया करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें 20-80% में यही बताया गया, अगर आपको 20% अच्छे काम का पता चल गया कि 20% जो काम है वो कौन सा है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो कौन सा है जिससे मेरा 80% आउटपुट आ जाए, तो इसमें यही बताया गया है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, एक नए रूल के साथ और एक नए सिद्धांत के साथ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ, प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ जुड़े, इस जो हमने टाइम मैनेजमेंट की जो डेली प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रही है जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है या पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो उसके साथ जुड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं भी लगी तो तब भी करें कि आपका कहाँ का पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कल फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए रूल के साथ। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।